नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। मेरी वीडियो जो है आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड मिलती है। मेरा YouTube चैनल सेलर एंकर, क्योंकि मैं उतने ज़्यादा हाई फाई कैमरे यूज़ नहीं करता, अच्छी म्यूज़िक नहीं देता, बट आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी देता हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं या 12th कर चुके हैं। हालांकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं आपको डीएनए, अबाउट डीएनएस, कैडेटशिप, बीएससी नॉटिकल साइंस, जीएमई, इन्हीं सब से रिलेटेड मिलेगी। तो सेम इसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर डीएनएस का क्या प्रोसीजर है, बीएससी नॉटिकल साइंस का क्या प्रोसीजर है, जीएमई क्या है, या बी मरीन इंजीनियरिंग कोर्स क्या होते हैं, तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या प्रेजेंटली जिन्होंने 12th कर रखी है। तो दोस्तों, फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने फॉर्म निकाल दिए हैं। आप फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी का फॉर्म भर सकते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी के जो कैडेट्स हैं वो IMI, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा, या फिर TS रहमान, और एक कोई इंस्टीट्यूट है उसमें आते हैं। तो आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप का फॉर्म ऑलरेडी उसका निकल गया है। तो दोस्तों, कोई भी मर्चेंट नेवी में अगर आप DNS कोर्स ज्वाइन करते हैं या GME कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो प्लीज़ उसकी स्पॉन्सरशिप पहले ले लें। स्पॉन्सरशिप लेने के बाद आप IMU CET का एग्ज़ाम दें, दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे, फिजिकली मेडिकल फिट है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मर्चेंट नेवी के सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी नॉलेज है वो, अगर आपने 12th में आपके बेसिक क्लियर से हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। बिकॉज एग्ज़ाम यहाँ पे इतना टफ नहीं है, यहाँ मेन है आपको काम करना। कैसे काम किया जाए, घर से कैसे दूर रहा जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सब मायने रखता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये बातें बाद में बताएंगे, पहले हम प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में आपको बता दें। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं, वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी का। इसी तरीके से सारी कंपनीज अपना अपना फॉर्म निकालती है, जैसे कि MSC हो गई। MSC के बारे में हर कोई जानता है, आप कहीं भी जाओगे MSC के कंटेनर मिल जाएंगे। ग्रेट ईस्टर्न हो गया, शेल हो गया, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, BSM हो गया। तो इस तरीके से ये सारी कंपनी DNS के फॉर्म निकालती है। अब DNS है क्या, एक्चुअल में क्या ये फ़ायदेमंद है? आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि मैं DNS करूं या फिर BSc नॉटिकल साइंस करूं। तो दोस्तों, DNS और BSc नॉटिकल साइंस में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। DNS आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, लीडिंग टू BNS, BSc नॉटिकल साइंस। अगर आपने सक्सेसफुली 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है प्रीसी ट्रेनिंग, तो आपको कॉलेज की तरफ से एक DNS का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको बोला जाता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। उसके बाद आपके 2 सेमेस्टर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन के लिए आपको 6 सेमेस्टर की ज़रूरत होती है, 6 सेमेस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो DNS कोर्स में आपके 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आप शिप पे गए, आपको 18 मंथ्स की जो है सी ट्रेनिंग करनी होती है। तो 18 मंथ्स के आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, 6 6 6 मंथ्स के। आप 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 9 9 मंथ्स के 2 कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं, बट यूजुअली जो कंपनीज होती है वो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो आप 3 मंथ्स में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल आपने 5 सेमेस्टर कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों, जो 6 सेमेस्टर होता है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें कवर हो जाता है। जब आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देते हैं और जो ये आपके सेमेस्टर हो गए, बाकी के 3, इन सब के भी एक एक पेपर होते हैं, ये सारे क्लियर कर लोगे, तो आपको फाइनली BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाती है IMU CET से। तो ये तो मैंने DNS के बारे में बताया आपको, जो DNS की कहानी है उसके बारे में बताया। तो दोस्तों, ये मैंने आपको DNS के बारे में बताया। तो दोस्तों, ये मैंने आपको DNS के बारे में बताया। सेम इसी तरीके से BSc नॉटिकल साइंस, 3 ईयर की आपकी प्रीसी ट्रेनिंग होती है,
3 साल आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी होती है, सेम लाइक कॉलेज। तो इसमें अगर आप 3 साल सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाती है। तो दोस्तों, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आप 1 ईयर की फ़ीस कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको 3 ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये आपको 3 गुनी महंगी पड़ सकती है। डिग्री आपको सेम मिल रही है, बीएससी नॉटिकल साइंस में 2015 से पहले जो बीएससी नॉटिकल साइंस करते थे, जो 3 ईयर करते थे, उनके लिए सेकेंड मेट एग्ज़ाम में रिटर्न एग्जेम्प्टेड होता था, मगर अब वो बंद हो चुका है। अगर चाहे आप डीएनएस करें चाहे बीएससी नॉटिकल साइंस करें, दोस्तों आपको सेकेंड मेट का एग्ज़ाम रिटर्न ओरल्स दोनों देने पड़ेंगे। डिफरेंस इतना है, डीएनएस में आपको 18 मंथ्स की सी टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और जो बीएससी नॉटिकल साइंस है उसमें दोस्तों 12 मंथ्स का सी टाइम करना पड़ता है। बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डीएनएस करिए, डीएनएस में आप पैसा सेव कर सकते हैं, प्लस आपका ट्रेनिंग पीरियड भी थोड़ा बढ़ जाता है, 6 मंथ 18 मंथ्स आपको सीखने का अच्छा मौका मिल जाता है, ताकि जब आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर करें, आप इंडिपेंडेंट एक ऑफिसर बने, उस टाइम नॉलेज आप ज़्यादा गेन कर सको, तो वो बेटर है आपके लिए और आपके पैसे कम पड़ते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक कैडेटशिप, सपोज डेट आप कहीं से कैडेटशिप कर रहे हैं, मान लो आप किधर से भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, वो मैटर नहीं करता है, आप कंपनी कौन सी है आपके पास वो मैटर करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अगर आप स्पॉन्सर नहीं हैं, आपके पास कंपनी नहीं है, आपने प्रीसी ट्रेनिंग कर लिया, तो आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको जॉब मिलना काफ़ी टफ हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको नॉलेज कितनी है, बिकॉज नाउअडेज कंपनी जो है शुरू में ही स्पॉन्सरशिप देके फिर प्रीसी ट्रेनिंग करने होती है। लेकिन बीएससी नॉटिकल साइंस के केस में ऐसा नहीं है। बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको शुरू में स्पॉन्सरशिप बहुत कम कंपनीज देती है, ना के बराबर देती है। तो इसमें आप 3 ईयर करोगे, फिर कैंपस सिलेक्शन होगा, मतलब इसमें आपको इनिशियली में जो है वो जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिली। लेकिन वही अगर आप डीएनएस का कोर्स करेंगे तो इसमें आपको इनिशियली जॉब की सिक्योरिटी मिल जाती है। सेम यही डिफरेंस बीई मरीन इंजीनियरिंग और जीएमई कोर्स में, ये इंजन साइड वालों के लिए। बीई मरीन इंजीनियरिंग कोर्स दोस्तों 4 ईयर का मरीन इंजीनियरिंग कोर्स होता है, इसमें आपको 4 साल मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। इन 4 सालों में आपको कंपनी आएगी और आपका प्लेसमेंट करेगी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% प्लेसमेंट हो जाए। इंस्टीट्यूट ऐसा बोलते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट करा देंगे, लेकिन जब बारी आती है प्लेसमेंट की तो फिर वो बैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी कंपनीज नहीं होती है कि वो हर किसी का प्लेसमेंट करा सकें। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन वही अगर आपने 4 ईयर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखी है, उसके बाद अगर आप जीएमई कोर्स करते हैं, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, तो उसमें दोस्तों शुरू में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो ये यहां तक होपफुली आप लोगों का फंडा क्लियर होगा। अब मैं आगे आता हूं, स्पॉन्सरशिप कौन कौन सी कंपनीज आती हैं जीएमई कोर्स के लिए और कौन कौन सी कंपनी आती है डीएनएस कोर्स के लिए। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो हैं वो स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकालती है, ग्रेट ईस्टर्न से लेके एंग्लो ईस्टर्न तक, ग्रेट ईस्टर्न, एमएससी, एंग्लो ईस्टर्न, बर्नाल शुल्टे, पहले एक वरुण शिपिंग भी हुआ करती थी, अभी बंद हो गई है। तो इन सारी कंपनीज के आप जीएमई और डीएनएस का फॉर्म भर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप का टेस्ट दे सकते हैं, और शुरू में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो अपने हिसाब से फिर अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं, जहाँ पे उनको प्रीसी ट्रेनिंग करानी होती है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है, डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस मरीन इंजीनियरिंग का, जीएमई मरीन इंजीनियरिंग का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या होता है। ये सारे होपफुली आपको समझ में आएंगे। इसमें अगर किसी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जो मरीन इंजीनियरिंग है उसके लिए भी 12th है, डीएनएस के लिए भी 12th है, बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए भी 12th है। लेकिन अगर आप जीएमई कोर्स करते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको 4 ईयर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। होपफुली मेरी इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सैलरी प्रोस्पेक्ट से, क्या सैलरीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप एज अ कैडेट जाते हैं आपकी क्या ड्यूटीज़ है, किस तरीके से आपसे ड्यूटीज़ ली जाती है, और फ्यूचर में आपको कैडेट से लेके कैप्टन बनने तक
या फिर जीएमई से अगर आप करते हैं, जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बनने तक का कितना टाइम लगता है, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।